शहर के कॉलेज रोड स्थित जैन फर्टिलिटी एंड चाइल्ड आईसीयू हॉस्पिटल में गत 2 मई को अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते नवजात शिशु की मौत प्रकरण में चिकित्सा विभाग द्वारा अब तक चिकित्सक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से खफा पीड़ित पक्ष मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि जांच को जल्द से जल्द पूरा किया जाए तथा चिकित्सक का लाइसेंस रद्द करते हुए चिकित्सालय को बंद करवाया जाए। वहीं सीएमएचओ कार्यालय की ओर से जांच अब संयुक्त निदेशक अजमेर स्तर पर होने की जानकारी दी गई है। जानकारी के अनुसार कॉलेज रोड स्थित जैन फर्टिलिटी एंड चाइल्ड आईसीयू हॉस्पिटल में गत 2 मई 2024 को अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते हुए एक नवजात शिशु की मौत हो गई थी। पीड़ित श्याम नगर मसूदा रोड निवासी विपिन राठौड़िया की शिकायत एवं जिला कलेक्टर ब्यावर के निर्देशों के बाद सीएमएचओ ब्यावर ने अतिरिक्त सीएमएचओ डॉक्टर लोकेश कुमावत, डॉक्टर पीएम बोहरा एवं डॉक्टर एम के अग्रवाल के निर्देशन में जांच कमेटी का गठन कर मामले की जांच के निर्देश दिए, लेकिन पीड़ित पक्ष ने कमेटी के सदस्य स्थानीय चिकित्सक होने एवं जैन फर्टिलिटी के चिकित्सक डॉक्टर राजीव जैन के राजनीतिक रसूखात के चलते जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने सीएमएचओ कार्यालय द्वारा समय पर बयानों के लिए उपस्थिति होने पर सूचना नहीं देने का आरोप लगाया। पीड़ित पक्ष ने 7 जून को बयान दर्ज नहीं करवाते हुए जांच कमेटी पर आपत्ति दर्ज करवाई तथा मामले की जांच कर ब्यावर जिला क्षेत्र से ब्यावर करवाए जाने की मांग की। मामले में पीड़ित पक्ष मंगलवार को पुनः सीएमएचओ कार्यालय पहुंचा तथा अब तक जैन फर्टिलिटी चिकित्सालय सहित दोषियों के खिलाफ 2 माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर रोष प्रकट किया, जिसके बाद पीड़ित राठौड़िया, उसकी पत्नी खुशबू एवं उसका भाई अभिषेक बोहरा ने सीएमएचओ कार्यालय के बाहर धरना दे दिया तथा जैन फर्टिलिटी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने जांच पूरी नहीं होने पर चिकित्सालय का लाइसेंस अस्थायी रूप से रद्द करने की मांग की। आपको बता दें कि श्याम नगर मसूदा रोड निवासी विपिन राठौड़िया की पत्नी खुशबू को प्रसव के लिए चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था, जहां पर खुशबू ने एक बच्चे को जन्म दिया, मगर जन्म के अगले दिन ही शिशु की तबीयत बिगड़ गई और उसे अजमेर के लिए रेफर करने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। पीड़ित राठौड़िया ने अस्पताल के चिकित्सक राजीव जैन, कल्पना जैन तथा अन्य स्टाफ पर नवजात की देखरेख करने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। जांच के लिए गठित कमेटी पर असंतोष जताते हुए जिले से बाहर जांच करवाने की मांग की थी। सर, मैंने 2 मई को मेरे बेटे को जन्म दिया था। मैंने तो डॉक्टर राजीव जैन, जो जैन फर्टिलिटी चाइल्ड आईसीयू हॉस्पिटल के डॉक्टर है, बच्चे के स्पेशलिस्ट है, उन्होंने मेरे बच्चे के साथ बहुत लापरवाही बरती है। उनके स्टाफ ने भी लापरवाही बरती और उन्होंने भी लापरवाही बरती। 2 मई को मैंने 4 बजे मेरे बच्चे को जन्म दिया। अगले दिन 10:30 बजे जब वो डॉक्टर आए, तब हमारे घर वालों के द्वारा कहने पर उसने बच्चे की जांच करी। इस बीच में उसने कुछ भी जांच नहीं करी बच्चे की। जब अगले दिन उसने जांच करी, तब उसने खुद ने देखा कि बच्चे में कोई हलचल नहीं है, बच्चा पूरा नीला पड़ चुका है। फिर भी उसको अजमेर रेफर किया गया। बच्चा हॉस्पिटल में ही डेड हो चुका था, लेकिन उसको अजमेर रेफर किया गया क्योंकि वो चाहता था कि मेरे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उसके बाद में सर, जैसे ही बच्चे को रेफर किया, उसने मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। 16-17 घंटे हुए थे मुझे डिलीवरी करके और उसने मेरे को तुरंत डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद में सर, अब हम कंप्लेन कर रहे हैं। हम यहाँ सीएमएचओ ऑफिस आए हैं, हम अजमेर भी गए थे जेडी ऑफिस, वहाँ सर हमें कोई भी संतोषपूर्वक हमें जवाब नहीं मिल रहा है। हम हमारे सर जनहित की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो दुख मैंने भोगा है वो कोई और माँ नहीं भोगना चाहे। डॉक्टर राजीव जैन, जो मेरा बच्चा जो ब्यावरी डेथ हो गया, उसके बाद भी जो उसने उसको अपना बचाव करने के लिए जो उसने उसको अजमेर रेफर करा मरे हुए बच्चे को, उसके बाद में पीछे से मेरी मिसेज को 17 घंटे के अंदर जो उसने डिस्चार्ज कर दिया, जबकि ये प्रशासन भी जानता है कि भाई 24 घंटे पहले प्रसव के बाद महिला को जो छुट्टी नहीं दी जा सकती। उसने सरेआम कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, डिस्चार्ज टिकट पर लिखा हुआ कि भाई 17 घंटे के अंदर डिस्चार्ज करा, फिर भी यहाँ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और पिछले 2 महीने से मैं जो चक्कर काट ही रहा हूँ, मैं सीएमएचओ हो गया है, एडिशनल सीएमएचओ हो गया, जिला कलेक्टर, एसडीएम साहब, एसपी साहब, मैंने सबको निवेदन किया कि साहब इसके खिलाफ कार्रवाई करो। इसने डॉक्टर की आड़ में क्या है कि एक बना लिया कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमेशा यहाँ कमेटी बैठती है, कमेटी में पहले एम के अग्रवाल साहब को लगाया, इन्होंने उसमें छेड़छाड़ करके उनको हटवा के श्याम सुंदर जी सोनी को लगवा दिया। क्यों? प्रशासन की इस चीज़ का जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कमेटी अपने हिसाब से सेट करता है और अपने हिसाब से जांच करवाता है, तो निष्पक्ष जांच तो हो ही नहीं सकती यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे क्या बयान देने के लिए उसका विरोध करा था यहाँ पे। मैंने कहा साहब मैं यहाँ बयान नहीं दे सकता, फिर भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हमारी तो एक ही मांग है कि जब तक राजीव जैन के प्रकरण में ये 4-5 मुकदमे हैं, इसमें जाँचें चल रही है,
तब तक उसका जो लाइसेंस अस्थायी रूप से निरस्त किया जाए, ताकि वो क्या है उसकी दुकान तब तक के लिए बंद रहेगी, तो उसको एक सबक भी मिलेगा और उसको और हमारे को न्याय भी मिलेगा। मैं लड़ाई सिर्फ एक मेरे बच्चे के लिए लड़ रहा हूँ, एक आम नागरिक होते हुए एक जनहित में लड़ रहा हूँ, ताकि किसी और के साथ नहीं हो। और अपने जो डॉक्टर होने का जो उसने दुरुपयोग कर रहा है लाइसेंस का, वो रद्द होना चाहिए उसका। वहीं एक अन्य प्रकरण में चली जांच में बयान दर्ज करवाने पहुंची पीड़िता रुचिका जैन ने भी जांच कमेटी पर आरोप लगाते हुए जांच कमेटी को बयान देने से इनकार कर दिया। पीड़िता जैन का आरोप है कि उनके द्वारा डॉक्टर राजीव जैन के विरोध की गई शिकायत पर गठित जांच कमेटी के समक्ष बयान देने के लिए मंगलवार को बुलाया गया। जब वह CMHO कार्यालय पहुंची तो उन्होंने मौखिक रूप से बताया कि उन्हें डॉक्टर लोकेश कुमावत एवं डॉक्टर लोकेश गुप्ता की कमेटी के समक्ष बयान दर्ज कराने हैं। पीड़िता रुचिका का भी यही आरोप था कि उक्त कमेटी में स्थानीय अधिकारियों को शामिल किया गया है, जिससे जांच निष्पक्ष होने पर संदेह है। प्रथम प्रकरण के पीड़ितों के साथ पीड़िता जैन भी CMHO कार्यालय के बाहर धरना देकर बैठ गई। कोविड के अंदर मैं इसी वैश्विक महामारी के अंदर उन्होंने कोई कोविड पेशेंट को देखा जो 42 साल का था, जबकि वो बच्चों का डॉक्टर है, उसको कोई राइट नहीं बनता है ये सब करने का। नाबालिग बच्ची के साथ जिसने बदतमीजी करी, जो पॉक्सो का केस चल रहा, उस पेशेंट को बचाने के लिए सिर्फ इसने उसको पारिवारिक रिश्तेदारी निभाने के लिए इसने वो सब किया, पर्ची बना के देने की कोविड, जिसके ऊपर उसको जमानत मिली और आज उसी जमानत के चलते हुए आगे कार्यवाही उसी के फेवर में जारी है। तो क्या ऐसा करना चाहिए था? CMHO साहब ने क्या बोला? CMHO साहब ने अभी कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि रात भर से उन लोगों की उनसे बातचीत हो रही है, और इवन बस सुबह 10:30 बजे से मुझे घुमाए जा रहे हैं इधर से उधर, बिना अथोराइट लेटर के मुझे जबरदस्ती यहाँ बुला लिया, और आप मुझे बोलते हैं कि 3:30 बजे आइएगा, बस राउंड पे राउंड लगाए जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। जैन फर्टिलिटी हॉस्पिटल के अगेंस्ट जो विपिन जी द्वारा शिकायत लिखित में की गई थी और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से भी हमें प्राप्त हुई थी, उसके बारे में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर जांच प्रारंभ की गई थी, लेकिन दिनांक 7 जून को श्रीमान विपिन जी को यहां उपस्थित होने के लिए कमेटी के समक्ष बुलाया गया। कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होकर विपिन जी ने बयान देने से मना किया, साथ ही ये मांग की कि चूँकि यहाँ पे सभी लोकल स्तर पे हो सकता है कि सभी परिचित हों और कहीं ना कहीं जांच मेरी सही दिशा में नहीं बढ़ेगी, इसलिए उन्होंने लिखित में निवेदन किया कि इस जांच को इस जिले से अन्यत्र बाहर कराया जाए और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। इसके लिए हमने उसी दिन 7 जून को हमने माननीय संयुक्त निदेशक महोदय अजमेर को पत्र लिख के अवगत कराया कि ये जांच अजमेर पे उच्च स्तरीय रूप से कराई जाए। तो मेरा यही कहना है कि इसमें यहाँ से जांच अपेक्षित नहीं थी, उन्होंने पत्र लिख के मना किया है, इसलिए ये जांच संयुक्त निदेशालय में अभी पेंडिंग है। और सर कोविड वाले मामले में, सर कोविड का मामला भी इसी अस्पताल का चूँकि ये अवगत कराया इन्होंने, लेकिन लिखित में अगर ये जांच यहाँ पे करवाना चाहें तो लिखित में देवें, क्योंकि ये ब्यावर जिला बनने से पूर्व की बातें हैं, कुछ चीज़ें कोविड के समय की समय भी हो गया है, लेकिन वर्बली या इस तरह से आरोप लगाने से अस्पताल को बंद नहीं किया जा सकता जब तक कि जांच कमेटी द्वारा जांच नहीं हो जाए। इस बारे में अभी कुछ कमेंट करना उचित नहीं है।